अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री का बहुत ही अहम टॉपिक है और जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बायोलॉजिकल और हेल्थ साइंसेस हर फील्ड में पढ़ाया जाता है। तो जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो सारी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, लेकिन सारी कार्बोहाइड्रेट्स मीठी नहीं होती। मतलब हम जितने भी फ्रूट्स ले लें, मीठे हैं या चीनी है, शुगर है, आपके मिठाइयाँ हैं, कोई भी मीठी चीज़, वो सारी कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन चावल, गंदम या कोई ऐसी चीज़ें जो मीठी नहीं है, आलू हो गए, शकरकंदी हो गई, काटन हो गई, दरख्त का छिलका हो गया, ये सारी कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन मीठी नहीं है। तो एक चीज़ आप याद रखें, सारी कार्बोहाइड्रेट मीठी नहीं होती, लेकिन जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है इसको हम बायोकेमिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसको हम समझना शुरू करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप से। कार्बोनाइल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है और उसके दो बॉन्ड किसी और चीज़ के साथ अटैच होते हैं। अब अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन लगा दें इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, और इसके अगर दोनों साइड पे कार्बन लगा दें इसको हम कीटोन कहते हैं। और ये जो मैंने एक चीज़ बनाई है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आप देख रहे हैं। इसके साथ मैंने पांच कार्बन लगाया और हर कार्बन के आपने चार बॉन्ड पूरे करने हैं और कार्बन के एक साइड पर हाइड्रोजन और एक साइड पर OH लगाना है। इसी तरह हमने सबके साथ ये कर दिया। इस तरह कीटोन के साथ भी यही कि हर कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करेंगे और उसके साथ एक साइड पर H और एक साइड पर OH लगाएंगे। अब हम ये क्या चीज़ है, ये जो है पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। जब बहुत सारे OH लग जाएं एल्डिहाइड के साथ तो हम इसको कहते हैं पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी तरह जब बहुत ज़्यादा H लग जाएंगे, मतलब ज़्यादा H लग जाएं कीटोन के साथ, तो हम इसको कहेंगे पोली हाइड्रोक्सी कीटोन। और बेसिकली यही डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पोली हाइड्रोक्सी कीटोन्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम इसके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की काउंटिंग करें तो ये भी C6H12O6 है और ये भी C6H12O6 है। अगर हम इस पर देखें तो केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो हम ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स भी कहते हैं और आइसोमर्स हम एक अलग से चैप्टर में, लेक्चर में भी पढ़ेंगे। तो ये जो कंपाउंड है जिसमें कीटोन है ये फ्रक्टोज का फार्मूला है और ये जो जिसमें एल्डिहाइड है ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसी तरह ये जो पाँच कार्बन वाले कंपाउंड है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें हमने चार कार्बन और लगाए, चार चार बॉन्ड पूरे किए, हर कार्बन के साथ एच और OH लगाया, तो इसका जो है फार्मूला C5H10O5 बनेगा। इसी तरह ये कीटोनिक है इसका भी यही बनेगा। पोर मॉलिक्यूल जो है ये तीन कार्बन वाले की एग्जांपल देखें, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ हमने दो कार्बन लगाए, उसके चार बॉन्ड पूरे किए, एक तरफ एच और एक तरफ OH लगाया। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले में गौर करें तो ये बेसिकली जितने कार्बन मॉलिक्यूल में कार्बन होंगे उससे डबल वाटर मॉलिक्यूल होंगे, जैसा कि C6H12O6, तो इसमें छः कार्बन है तो H2O को छः से मल्टीप्लाई करेंगे तो H12 और O6 हो जाएगा। इस तरह C5H10O5 को H2O को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के बेसिक मॉलिक्यूल हैं और इनको हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और इसको हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, वो मोनोसैकेराइड्स या वो कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उनको हम एल्डोज कहते हैं, जिसमें कीटोन होगा उसको कीटोज कहते हैं। और दूसरा हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, जिसके अंदर छः कार्बन होंगे उसको हेक्सोज कहेंगे, पाँच वाले को पेंटोज, चार वाले को टेट्रोज, तीन वाले को ट्राइओज। तो इसकी बेस पे जो छः कार्बन वाली एल्डिहाइड है उसको ग्लूकोज और छः कार्बन वाले कीटोन को फ्रक्टोज, इस तरह राइबोज, रेबुलोज, रिथ्रोज, रिथ्रोलोज, ग्लिसरलडिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। दूसरे जो है मोनोसैकेराइड मिलकर, दो मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं। डाई का मतलब दो होता है, सैकेराइड्स मीन शुगर। तो इसमें जो अहम अहम शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो डाइसैकेराइड्स हैं वो सक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। अब क्योंकि ये दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं तो देखते हैं कि ये कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स मिलकर बने होते हैं। ये सक्रोज है ये बना हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, माल्टोज है उसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज है। एक चीज़ ये याद रखें कि तीनों मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज एटम मॉलिक्यूल शामिल हैं। अब
जब नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स ज्यादा हों, 9 से ज्यादा हों और ये मतलब सैकड़ों तक जा सकते हैं, इनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। पॉली का मतलब ज्यादा होता है, और जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये दो किस्म के हैं। होमोपॉलीसैकेराइड, ये ऐसे पॉलीसैकेराइड्स हैं जिसमें सारे जो ग्लूकोज जो यूनिट्स हैं मोनोसैकेराइड्स वो एक जैसे होते हैं, और जो हेटरोपॉलीसैकेराइड हैं इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या मोनोसैकेराइड्स के अलावा कुछ और मॉलिक्यूल भी शामिल होते हैं। अब ये जो होमोपॉलीसैकेराइड है ये तीन बड़े मशहूर हैं। सेलुलोज है, ये प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है, उसको स्ट्रक्चर देता है, सपोर्ट देता है। स्टार्च जो है ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है प्लांट के अंदर, और जो ग्लाइकोजन है ये जो है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है एनिमल्स के अंदर, और जो मसल और लीवर के अंदर स्टोर होती है। ये जो सारी हमने बेसिक जो पढ़ी हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, है ना, इसकी जो डाई और पॉली है इनके दरमियान आपस में बॉन्डिंग होती है, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इनकी समरी डिस्कस करते हैं। हमने ओवरऑल पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स। बेसिक यूनिट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। दीज आर सब क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दीज आर एल्डोजेस एंड कीटोजेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन दे आर हेक्सोजेस, पेंटोजेस, टेट्रोजेस एंड ट्राइजेस। मोर देन टू मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं, और 10 या 10 से ज्यादा जो हैं मोनोसैकेराइड्स मिलकर ये होमोपॉलीसैकेराइड और हेटरोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं। अब हम इनकी बॉन्डिंग समझने के लिए हमें जो है ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखें ये ग्लूकोज का जो है ना रिंग स्ट्रक्चर है, ये इसका कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4, ये 5, 6। कार्बन नंबर 1 और जो 5 जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। कार्बन नंबर 1 पे अगर OH ऊपर होगा तो इसको हम कहेंगे बीटा, और अगर कार्बन नंबर 5 पे ये जो CH2OH है ये ऊपर होगा तो इसको हम कहेंगे डी, तो इसकी बेस पे इसका नाम बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। अगर ये वाला जो OH है ये नीचे होगा इसको हम कहेंगे अल्फा, और ये CH2OH ऊपर होगा तो इसको कहेंगे डी, तो इसका नाम क्या बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक हो गया। इसी तरह जब कोई दो मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो इसका एच ऊपर है एक मॉलिक्यूल का, इसका OH नीचे होगा, ठीक है, इसका एच ऊपर है इसका OH नीचे होगा, तो ये OH मिलके जो है ना इसमें वाटर रिमूव हो गया और O जो है ना बीच में आ गया, तो ये जो बॉन्ड बना है एक शुगर का कार्बन नंबर 1 है और दूसरे शुगर का कार्बन नंबर 4 है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अल्फा 1-4 लिंकेज। अल्फा क्यों कहेंगे, क्योंकि ये OH नीचे था, और 1 क्यों कहेंगे, इसकी कार्बन नंबर 1 है और इसका कार्बन नंबर 4 है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरह अगर ये OH ऊपर होता और ये फिर इस तरह इसके साथ बॉन्ड बनाता तो हम इसको कहते हैं बीटा 1-4 लिंकेज। तो कार्बोहाइड्रेट में अल्फा 1-4, बीटा 1-4 और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना लिंकेज होती है उसको 1-6 लिंकेज कहते हैं। वो उस वक्त यूज होती है जब भी किसी जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है उससे ब्रांच निकलनी हो। फर्ज के ये मैंने एक वैसे डायग्राम बनाई है, ये एक ग्लूकोज है, ये दूसरा है, तीसरा चौथा है, जब तक ये स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो इनके दरमियान 1-4 लिंकेज होगी। जैसे ही इस मॉलिक्यूल से कोई ब्रांच निकलेगी तो इधर से जो है ना 1-6 लिंकेज बनना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंट जो है ना बॉन्डिंग है, इसको आप अच्छी तरह समझें। और ये था बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट के जो हैं ये जो स्पेशली जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनके आइसोमर्स पढ़ेंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और बाकी जो मेटाबॉलिज्म और बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।